हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारी लैब ये है, हम इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली क्लिक ऑन स्टार्ट लैब, फिर इसके बाद इसको अभी हमारे क्रेडेंशियल्स हमें मिल चुके हैं, तो हम क्रेडेंशियल्स को जल्दी से लॉगिन कर लेते हैं। अब आप लोगों को जो है यहाँ पर पहले यूज़र नेम कॉपी करना पड़ेगा, देन यहाँ पर यूज अनदर अकाउंट, अगेन आते हैं, यहाँ से पासवर्ड कॉपी करते हैं, वापस आते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं, इसको आई अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसको आई एग्री एंड कंटिन्यू कर देते हैं जल्दी से, और अपना क्लाउड शेल ओपन कर लेते हैं। क्लाउड शेल को जल्दी से लोड कर लेते हैं। अब वापस आते हैं अपने इस पर। अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं हमें क्या टास्क करने हैं। तो सबसे पहले हमें जो है इस कमांड को कॉपी करना है। आप लोग सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स में यहाँ से पहले एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेट करना है, तो इसके लिए इस कमांड को कॉपी किया, पेस्ट किया, रन किया, ठीक है। देन नेक्स्ट अब हम आते हैं। अब हमें जो है एक नैनो एडिटर ओपन करना है। नैनो या भीम, आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो, तो मैं नैनो यूज़ करूँगा। और उसमें इस फाइल में इस कोड को कॉपी करना है, तो पहले इस फाइल को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, अब सिंपली पहले नैनो टाइप करते हैं, देन स्पेस देते हैं और उस फाइल को पेस्ट करके एंटर करते हैं। अब आप लोग नैनो एडिटर के अंदर आ चुके हैं। अब आप लोगों को सिंपली इसको कॉपी करना है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब आप लोग इसे सेव कैसे करेंगे, जस्ट प्रेस कंट्रोल एक्स वाई देन एंटर। अब आप लोग की फाइल सेव हो चुकी है। अब इसी के साथ नीचे आते हैं, इस कमांड को कॉपी कराते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अभी ऑथराइज मांगेगा, इसको ऑथराइज कर देते हैं। तो ये काम हमारा हो गया। अब जल्दी से इस कमांड को रन कराना है। अब इस कमांड में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक्सेस टोकन की जगह जो है आपको एक टोकन पिछले कमांड में जनरेट हुआ है उसको पेस्ट करना है। तो मैं सबसे पहले इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, देन वापस से यहाँ आता हूँ। अब आप लोग को क्या करना है, यहाँ से लेकर ये जो जनरेट हुआ है यहाँ तक इसको कॉपी करना है। आप लोग कंट्रोल सी दबाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी अपने आप कॉपी कर लेगा। देन एक्सेस टोकन को यहाँ पर आप लोग कट कर लेंगे और इसकी जगह पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये काम हमारा हो चुका है। अब जल्दी से सबको कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी कर लिया, यहाँ पर आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं और रन करते हैं। अब ये रन हो गया है, वापस आते हैं बिना किसी एरर के। अब इस कमांड को कॉपी करते हैं अपना आउटपुट देखने के लिए, इसको पेस्ट किया। अब आप लोग देख सकते हैं कुछ इसी तरीके का आउटपुट आप लोगों को यहाँ भी दिख रहा है, ऐसा ही है। देन इसके बाद अब जो है अपलोड करना है हमें इस आउटपुट को क्लाउड स्टोरेज में। तो इस कमांड को पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। तो ये हो चुका है काम हमारा। अब इसको चेक माय प्रोग्रेस करा लेते हैं, ये आपको चेक कर देगा बिना किसी एरर के। अब सेकंड टास्क में आते हैं। अब हमें एक न्यू जेसन फाइल क्रिएट करनी है। फिर से आप लोग जो है नैनो एडिटर का यूज़ करेंगे, यहाँ पर आएंगे, नैनो एडिटर को नैनो लिखेंगे, जैसे स्पेस देंगे और जो फाइल कॉपी की थी उसको पेस्ट करके एंटर कर देंगे। अब वापस आएंगे, अब इस पूरे को कॉपी करना है आपको, यहाँ पर पेस्ट करना है। वापस से सेव कैसे करेंगे, जस्ट कंट्रोल एक्स वाई एंटर। वापस आते हैं, नीचे जाते हैं, यहाँ हम लोगों को कोई चेंजेस नहीं करने हैं, तो सिंपली जैसे इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। तो ये रन हो गया बिना किसी एरर के। अब वापस से इस कमांड को रन करते हैं, इसको पेस्ट किया, रन किया, देन आप लोगों को देख सकते हैं कि इस तरीके का ही आउटपुट हमारे पास है और यहाँ भी हमें ऐसा ही आउटपुट दिख रहा है। तो ये काम हमारा हो चुका है। अब जल्दी से इसको भी अपलोड कर देंगे क्लाउड स्टोरेज में। तो इसको पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। तो ये काम भी हमारा हो गया। इसी के साथ जो है आप लोगों का टास्क ख़त्म हो चुके हैं और ये लैब भी ख़त्म हो गई है, चेक माई प्रोग्रेस भी हो चुके हैं। तो हम लैब को एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन में। तब तक के लिए बाय बाय।